Symbol number 2 है let V be the vector space of R n cross 1. Matrices of R C1 और C2 belong करते हैं V से. Written as C1 is equal to this, C2 is equal to this. Such matrices are called column vectors. Then C1 और ये C1 का transpose is equal to this. C1 और C2 का जो मैपिंग है वो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ C1 का ट्रांसपोज इनटू C2. तो यहाँ पे बहुत मुख्तसर सा किया गया, तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं. लेट करें ये एग्जांपल, ये देखें इसी तरीके से लिखी गई C1 और C2, ठीक है. शो दैट C1 और C2 इज इनर प्रोडक्ट वेयर C1 और C2 इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट. इस तरीके से अभी आपको, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव करना है C1 और C1 के दरमियान जो मैपिंग है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपको पता है ये जो मैपिंग है इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है. तो यहाँ से हम पहले C1 और C2 का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि हम जब ये कंडीशंस हम एक्सियम प्रूव करने लगे तो हमें इजीली हो सके, ठीक है. तो C1 और C2 का यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये चीज़ आई, और इसका डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ फॉर्म आई, और ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस फॉर्म, ठीक है. तो अब हम जो फर्स्ट एक्सियम है वो प्रूव करने में करते हैं C1 और C1 की जो मैपिंग है इज इक्वल टू C1 का ट्रांसपोज इनटू C1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है. अब डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमें पता है जब C1 और का ट्रांसपोज और C2 का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू दिस आर है, तो C1 का ट्रांसपोज और C1 का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू दिस आएगा, ठीक है, यहाँ से. तो यहाँ से हमारी ये फॉर्म बन जाएगी. तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच टर्म इज इक्वल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है. नेक्स्ट हमने ये तो हमने ग्रेटर देन 0 प्रूव कर लिया है, लेकिन अब हमने इक्वल टू 0 प्रूव करना है. इक्वल टू 0 तभी होगा जब C1 इज इक्वल टू 0 होगा. तो देखते हैं C1, अगर हम अब हमने लेट किया कि ये जो मैपिंग बिटवीन C1 और C1 है ये इज इक्वल टू 0 है, ठीक है. ये इम्प्लाइज करती है दिस इज इक्वल टू 0, और ये जो चीज़ है ये कब 0 होगी, जब ईच टर्म इज इक्वल टू 0. आप देखें ये जो टर्म है इसका ये जो फॉर्म है ये तभी 0 हो सकती है जब इसका हर टर्म 0 हो, क्योंकि ये एडिशन में है. तो लिहाजा ये इम्प्लाइज करती है ये तभी 0 होगी इफ एंड ओनली इफ ईच टर्म इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन. एंड ये इम्प्लाइज करता है जब हर टर्म जो है वो 0 हो गया है, तो ये इम्प्लाइज करता है C1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि कॉलम जो है वो कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया है. सिंस C1 और C1 के दरमियान जो मैपिंग है इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ C1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये तब 0 हो सकती है जब C1 इज इक्वल टू 0 हो. सेकेंड जो एक्सियम है उसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है, C1 और C2 के दरमियान जो मैपिंग है इज इक्वल टू C2 और C1 की मैपिंग. लेकिन हमने ये चीज़ प्रूव नहीं करनी है, मतलब कि C1 और C है C2 की जो मैपिंग है वो इसकी सिमेट्रिक कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो C1 और C2 ये देखें हम जब हमें क्वेश्चन दिया गया उसकी स्टेट में है क्या, ये जो मैट्रिक्स है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ आल एन क्रॉस वन मैट्रिक्स ओवर आर, मतलब कि रियल नंबर पे है, कम्प्लेक्स पे नहीं है. तो हमने पहले ही डेफिनेशन वाले पार्ट में ये बात की थी कि जब हमारे पास रियल फॉर्म हो तो तब हमने ये प्रूव करना है. तो यहाँ से है C1 और C2 की जो मैपिंग है वो इसके इक्वल है, डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ ये फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे आप, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, मतलब कि X1 और Y1 जो है वो रियल है, क्योंकि ये जो C1 और C2 ये मैट्रिसेस हैं ये ओवर रियल हैं, मतलब कि रियल फील्ड के ऊपर है. तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गई, यहाँ से हमारे C2 का ट्रांसपोज इनटू C1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस C2 की मैपिंग एंड C1 की मैपिंग. अब हमने इनर प्रोडक्ट का थर्ड एग्जाम प्रूव करना है, ठीक है. हमने लेट करेंगे C3 बिलोंग करता है V से, एंड A और B बिलोंग करते हैं R से, ठीक है. और AC1 प्लस BC2 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी C1 जो है कॉलम मैट्रिक्स है, C2 भी कॉलम मैट्रिक्स है, और यहाँ से ये फॉर्म आ जाएगी. अब ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक, मतलब कि अब हमने ये यहाँ ये जो इनर प्रोडक्ट है जैसे हमें गिवन दिया गया उसके मुताबिक हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी.
AC1 प्लस BC2 का ट्रांसपोज इंटू C3 का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे है, ये देखिए ये चीज़, तो यहाँ से ये चीज़ आ, ये फॉर्म आप क्या देगी, ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये फॉर्म और यहाँ से ये, तो हैं C1 और C2 जो मैपिंग है इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन V। एग्जाम्पल जो 3 है इसमें ये आपने खुद करने हैं, इसमें आपने इसको मद नज़र रखने के ये जो एक्सियम है ये फिर फुलफिल करवाने हैं, ठीक है। ये देखें X1 और Y1, X1 और Y2, X2 और Y1 प्लस 3X2 और Y2। अच्छा खैर मीन है आप ये कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सिंपल ही है बिल्कुल। एग्जांपल नंबर 4 है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द रियल वैल्यू टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल टू बी, देन फॉर एफ और जी जो बिलोंग करते हैं वी से, इनर प्रोडक्ट या मैपिंग है बिटवीन एफ और जी इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन विद द लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी इनटू फंक्शन एफ ऑफ टी एंड फंक्शन जी ऑफ टी इनटू डी ऑफ टी इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी, वी लीव द वेरिफिकेशन एज एन एक्सरसाइज। मतलब कि आपकी एक्सरसाइज के लिए अब उन्होंने वेरिफिकेशन इसकी छोड़ दी है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। तो हमने इनर प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए जो हमारे फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है वो है मैपिंग बिटवीन एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट एक्सियम ये हमने चीज़ प्रूव करनी है, यहाँ से हमारी ये फॉर्म आ जाएगी। और आपको पता है डेफिनेट जो इंटीग्रल है, मतलब कि इंटीग्रेशन जो है गिव द एरिया, ये एरिया देता है बाउंडेड बाय द कर्व विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया आपको पता है हमेशा हम जो है पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम इक्वल टू 0 को प्रूव करते हैं कि ये इक्वल टू 0 है कि नहीं। लेट करें कि एफ ऑफ एफ के दरमियान जो मैपिंग है इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से प्रूव करना है कि एफ ऑफ टी जो है वो इज इक्वल टू 0 है। अब ये जो है फॉर्म ये इस फॉर्म के इक्वल है, यहाँ से इस फॉर्म के इक्वल आई, लिहाजा ये जो है फंक्शन ऑफ टी का स्केयर विद डिफरेंशियल ऑफ टी की इंटीग्रेशन विद लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी इज इक्वल टू 0। ये कब 0 हो सकती है? ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है अगर फंक्शन ऑफ टी का स्केयर इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती है जब तक फंक्शन ऑफ टी का स्केयर 0 के बराबर ना हो जाए। आप कोई भी नंबर ले लें तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग कॉन्स्टेंट भी लें तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो 0 नहीं होती है। कोई भी नंबर ले लें तो इंटीग्रेशन किसी भी नंबर की 0 नहीं होती है, लिहाजा ये जो इंटीग्रेशन है फंक्शन ऑफ टी की 0 कभी भी नहीं हो सकती जब तक फंक्शन ऑफ टी खुद 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करता है कि ये 0 तब ही होगा इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ टी का स्केयर इज इक्वल टू 0, और इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ टी का स्केयर कभी इक्वल टू 0 होगा, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने पीछे क्वेश्चन में भी की है। नेक्स्ट जो सेकेंड एक्सियम है वो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, यहाँ से गिवन स्टेटमेंट के तब ये फॉर्म आ जाएगी, ये तो आपको पता, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड भी इजी है, लेट करेंगे कि एच जो है वो बिलोंग करता है वी से और ए बी बिलोंग करता है आर से, और इंटीग्रेशन ऑफ ए और बी यहाँ से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आपने लिनियरिटी जो प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो प्रूव करनी है। उम्मीद है ये आप खुद कर लेंगे। दिस ऑल द अदर कंडीशन, ऑल द 3 कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट आर सेटिस्फाइड, सो वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस।